अभी सुबह के 6 बज गए। इसको जो है लोगों घूमने जाना है, जा रहा घूमने के लिए, कह रहा है इसको पहले घुमा के लाते हैं फिर जाऊँगा फ्रेश होने। टाइम अभी 7 बज गया है और मुझे पहले जाना दूध लेना, पहले दूध लेके आऊँगा उसके बाद ही दुकान खोलूँगा, क्योंकि फिर बाद में जो है टाइम नहीं निकल पा रहा ठीक से। तो फिलहाल अभी चलते हैं, पहले दूध लेके आते हैं, अभी घर में सब कुछ हो ही रहा है तो मैं चलता हूँ फिलहाल दूध लेने। दूध लेके चलते दुकान खोलो, क्योंकि 7 बज गया है ऑलरेडी, लेट है। सर्दी में वैसे 7 ही बजे खुलती है लेकिन 7 बजे मैं दूध लेने जा रहा हूँ तो लेट हो जाएगी थोड़ी सी, तो चलते फिलहाल दूध। तो गाइस दूध आ गया, मैं जा रहा हूँ दुकान जल्दी से, दुकान चला जा। तो गाइस मैं दुकान भी आ चुका हूँ, दुकान में मैंने सब दूध वगैरह लाया था, फ्रिज में लगाई दिया था, साफ़ सफाई भी हो गई है, मैंने डब्बे भी यहाँ पर, धूप आ गई है यहाँ से मैंने डब्बे अपने उठा करके यहाँ नीचे रख लिए, तो क्योंकि यहाँ पे ना सब जितना भी है सब गर्म हीट हो जाता है, जैसे सेंटर फ्रेस वगैरह है वो धूप में मेल्ट होने लगती है, गर्म हो जाती है। तो और भी जैसे ब्रेड वगैरह है, ब्रेड मैंने यहाँ रख दिया है, ब्रेड में भी धूप में नहीं रखनी चाहिए तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैंने सब सामान यहाँ रख दिया। तो बैठेंगे दुकान में, मैंने अभी सब्ज़ी निकली थी सब्जी वाले का, तो उससे मैंने बैंगन ले लिए, तो बैंगन का इसका भरता बनाएंगे या सब्जी बनाएंगे वो मम्मी डिसाइड करेगी। तो फिलहाल अभी बैठते दुकान में, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। तो गाइस चलते हैं घर, मम्मी आ गई दुकान में, फिलहाल चलते हैं। अभी दीदी ने कुछ कुरियर से मंगाया सामान, ये कि दीदी ने कोई कुर्ता मंगाया हुआ, तो देखते हैं इसको भी। तो फिलहाल चलते हैं पहले घर, भूख लगी है, पहले खाना खाएंगे, क्योंकि यार टफी को भी नहलाना, फिर तो मार्केट भी जाना, क्योंकि तेल ख़त्म हो गया, तेल लेके आना। तो चलते हैं फिलहाल, पहले मार्केट जा रहा हूँ। मैंने अभी टफी को नहला दिया है, खाना भी खा लिया है, यहाँ साफ सफाई कर दी है। अभी देखिए बाबू की थाली यहीं रखी, बाबू ने भी खाना नहीं खाया, तो मैं फिलहाल चल रहा हूँ पहले मार्केट, थोड़ा सामान ले आके, पहले वो ज़रूरी है क्योंकि आके मैं नहाऊंगा, पहले चलते हैं मार्केट। हेलो मैं बैठा विद्वान, मैं माल लेके आ गया था घर, तो मैंने दुकान में सारा सामान लगा दिया है जो भी लेके आया था, हिसाब वगैरह करके मिला करके। अब फिलहाल बचा है मेरा नहाना, अभी जब तक मैं बैठी हुई दुकान में, तो मैं जाता हूँ जल्दी नहा के आ रहा हूँ, ये तबीयत मुझे अपनी भी सही नहीं लग रही है, तो चलते हैं फिलहाल नहाने। नहा धो के रेडी हो गया, अब आ गया दुकान, अब मम्मी को भेज देंगे घर, दुकान में थोड़ा चलाएंगे लट्टू, अभी घर में चलाया था तो टफी ने पहले कभी लट्टू देखा नहीं तो डर रहा था उससे, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, तो फिलहाल अब मैं थोड़ा चलाता हूँ लट्टू। खींचता है कि कोई संभाल नहीं पाएगा उसको, मैं जाता हूँ पहले घुमा दूँ, पॉटी लगी होगी इसलिए चिल्लाता हो, मैं आराम से बैठा रहता, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब पॉटी वगैरह सब लगा रहता तभी शोर मचाता है। फिलहाल चलते हैं, देखिए खड़ा बाहर खड़ा द्वारे में इंतजार कर रहा है मेरा, ये आएगा ये और घुमाएगा देखना कितना एक्साइटेड है, कितना एक्साइटेड, कितना एक्साइटेड। हाँ आ गए, हम आ गए, हाँ हम आ गए, हाँ घूमू चलना है, घूमू घूम जाना भाई तुमको, हैं घूम जाना, हाँ ये कहाँ जा रही है, घूम जाना भाई तू, हाँ घूम जाना है, घूम लगी अच्छी चीज़ जाना, चीज़ लगी भाई तुमको, हैं गया था टफी घुमाने के लिए। तो टफी का क्या है, उसको जैसे पॉटी वॉटी वगैरह लगती है तो पास में एक ग्राउंड है, जैसे उसकी चैन पड़ती है दौड़ता हुआ वहाँ जाता है, फिर दौड़ कहीं नहीं रुकेगा, सीधा दौड़ता हो जाएगा
और सीधे ग्राउंड में जो है, क्योंकि प्रेशर तेज़ होगा रहा मम्मी, क्योंकि काफ़ी देर होगी मम्मी को कहे, तो फिर इसको जो है एकदम से ले, जैसे मम्मी कहा कि जल्दी जाओ उसको, और फुल मतलब तैयार था जाते समय, जहाँ देखा तुरंत जैसे मैंने उसकी चैन खोली सीधे दौड़ लगा दी उसने, सीधे दौड़ करके सीधे उसी ग्राउंड में जाके पॉटी करने लगा वो, मगर लगता है जोर से लगी होगी कि वो घर में कभी करता नहीं है, तो चाहे जो हो जाए शोर मचा दे, गाला मचा दे, लेकिन घर में नहीं, चाहे जितना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, टहलका मचा दे घर में। जैसे उसकी चैन मैंने खोली तो दौड़ता हुआ गया बिल्कुल मुझे खींचता हुआ, तो फिर जाकर वहाँ करके आया, फिर बाद में घूमता रहा, फिर रंगोली ब्राउनी के साथ खेलता रहा, फिर लेकर उसको घर में छोड़ के फिर मैं आ गया हूँ दुकान, तो मम्मी चली गई घर। समझदार खूब है, लेकिन रहेगी कभी बात मानता नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग हमने इसकी कराई नहीं, तो ये सही वैसी बात नहीं मानता है, लेकिन हाँ तो वो कहीं जैसे मान लो बाहर चैन कभी खोल के पा जाएगा तो बुलाएंगे तो आएगा नहीं, हमसे अपोजिट भागता है, क्योंकि अक्सर इसको हम लोगों ने जो घर के अंदर ही रखा है, बाहर रखा नहीं जाता, खुले में तो रखा नहीं, क्योंकि इसको एक बार चोरी हो चुका था एक बार, तो इसको ढूंढ के लाए थे हम लोग, तो इसलिए इसको बाहर रखते नहीं, कि एक बार एक रिक्शे वाला जो है जब छोटा था ये, तो रिक्शे वाला एक बार चुरा ले गया था इसको, तो रिक्शे वाला हम लोग गए गाँव में करीबन यहाँ से 8 किलोमीटर दूर गाँव, उस गाँव में अंदर तक गए, वहाँ से पहले पता किया आसपास रिक्शा किसका है, पास में सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगा, उससे फुटेज निकला है, रिक्शे की पहचान की, रिक्शा पता लगाया, फिर मेला उसको ढूंढा बांधा भर में, तो मेला तब जाकर के इसको फिर लेके आए, वहाँ तक गए हम लोग गाँव में, तब से इसको बाहर रखते नहीं आ रहे, इसको चुरा ले गए, कि मेरा टफी बिल्कुल है यूनिक, बिल्कुल अलग दिखता है वो हर डॉगी से, उसकी आँखें, उसका कलर, बिल्कुल छोटा था तो छोटे में की आँखें एकदम ब्लू थी, तो ब्लू देखती थी, मुझे कभी इसको डांटने का मन नहीं करता, ऐसी आँखें ऐसी कि मैं देख देख के पिघल जाता हूँ, खैर मैं कभी भी है, लेकिन ना थोड़ा सा दीदी से डरता है, क्योंकि दीदी के अंदर थोड़ा सा ये है ना, जैसे मान लो बिस्तर वगैरह पहुँच गया, दीदी को गुस्सा आ जाता है, दीदी डांट देती है, लेकिन है बहुत प्यारा, मेरे साथ होता रहा अभी तक, अब मम्मी कहती है इसके बाल चिकर के थोड़ा सा बाल इसके जो है ना झड़ रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए अलग से कंबल वगैरह पूरा बना दिया गया है, तो अलग से सोता है, वरना मेरे साथ ही सोता रहा अभी तक ये, गर्मी में दिखाई दे कंबल की जरूरत पड़ती नहीं, गर्मी मेरे साथ होता रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब सर्दी में क्या इसके बाल टूट रहे हैं, तो बाल के चक्कर से इसको अलग से कंबल दे रखा है, कंबल में काफ़ी बाल चिपक जाते हैं, तो वहीं रहता है, साथ में खेलता है, बात जो है कई बार मस्ती करने का मन होता है तो मेरा कंबल खींचता है, तो कल रात में मेरा कंबल खींचता था, जैसे ही है, तो अभी देखिए अभी रोहित आने वाला होगा, तो दुकान बनाने का भी टाइम होना हो जाएगा, 9:30 बजे बढ़ा दूँगा, तो गाइस मैं आ गया हूँ घर, दुकान बढ़ा दी है, ये देखो बिल्लू है, क्या कर रहा है, हाँ क्या और क्या, अरे भाई क्रीम रोल खाया, क्रीम रोल खाया, जब भी कुछ खा के आया ना, कोई भी कुछ भी खाया तो उसे मुँह सूंघेगा, कोई नहीं है भाई, आज नहीं आया कोई, सूंघ रहा, किसी टच होके तो नहीं आया बिल्लू, फिलहाल चलते हैं गाइस, अब खाते हैं खाना, क्योंकि भूख लगी, दीदी ने खाना रेडी कर दिया है, सब्जी वगैरह गर्म हो गई, फिलहाल चलते हैं खाना खाते हैं, भूख लगी मुझे भी, आह अब बिल्लू हमारा ये बैठा हुआ है, चलते हैं खाना खाने, बिल्लू तो गाइस खाना ना सब हो गया है, बिस्तर भी लग गया है, अभी दीदी बर्तन धो रही हैं, और रोहित अपना भी मोबाइल पे भी कुछ देख रहा है, तो इसको जो है अभी जाना है, अब रात के भी 10:30 बज गया है, ये अभी घूमने जाने के लिए कह रहा है, अब मम्मी के अभी शाम घुमा लाया था, शाम को समय से पॉटी वगैरह कराया था, तो अभी फिर कह रहा है घूमने जाना, कहाँ जाना इस फिर जी घूमने जाने के लिए, अब मम्मी कह रही है कि अब 10:30 बज गया अब नहीं लेके जाना, बात ठंडी बहुत है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, मम्मी बुला रही है, मम्मी देख लो इसको, मम्मी रोहित बुला, फिलहाल मैं चल रहा था, सोच रहा हूँ घुमा लाता हूँ उसको, नहीं घुमा दे राहुल, ठंड है उसकी आदत पड़ जाएगी, अभी तुम शाम को घुमा लाया ना, अभी तो घुमा के लाया था, अभी क्या कर देखो पहले उसको, देख ले तो, जब तुम अपने बिस्तर पे लेट जाओगे तो उसी को जाएगा, मैं जा रहा हूँ सोने, बाय। तो गाइस अब बिस्तर लग गया है, अब सब जने जा रहे हैं नेलते, तो गाइस मैं भी जा रहा हूँ सोने, क्योंकि टाइम 11 बज गया है,
तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ सोने, सब कोई सोने जा रहा है। तो फिलहाल इस ब्लॉग का मैं यहीं पेंड करता हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।